गुड मॉर्निंग एवरीबडी, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे कि परिमेय संख्याओं किस प्रकार गुणा किया जाता है, भाग किया जाता है, और योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम के ऊपर हम बात करेंगे। और इसी के बेस पे हमारी जो एक्सरसाइज नेक्स्ट है वो भी इसी के बेस पर है। और आज एक्सरसाइज जो है हमारी वो क्या है, आपकी एक्सरसाइज हमारी जो है वो 1.4 है, ठीक है। तो इसमें जो आपका चैप्टर है, इसमें आपका ये है कि परिमेय संख्याओं को किस प्रकार हम गुणा किया करेंगे और उनको किस प्रकार भाग दिया जाएगा। और इसी में एक दो टॉपिक और जुड़ी हुई हैं कि उनका किसी भी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम बताइए और उनका गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, ठीक है। तो हमारी टॉपिक क्या है कि परिमेय संख्याओं को किस प्रकार गुणा व भाग किया जाता है। तो इससे पहले वाले टॉपिक में हम क्या बात कर रहे थे कि दो परिमेय संख्याओं को आपस में हम किस प्रकार जोड़ते हैं और घटाव करते हैं, यानी कि प्लस करते हैं और माइनस करते हैं। लेकिन आज की टॉपिक क्या चल रही है कि उनको किस प्रकार हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं। तो गुणा का मतलब क्या, गुणा करना और भाग करना, ठीक है। तो पहले हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो बात कर लेते हैं कि किस प्रकार इनको हम गुणा करते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है जैसे 2/4, बीच में अभी तक हम क्या लगाते थे, प्लस लगाते थे या माइनस लगाते थे, लेकिन अब किसकी हम बात कर रहे हैं, गुणे की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, गुणा लगाएंगे, ठीक है। और संख्या हमारी क्या होगी यहाँ पे, 3/4 होगी, ठीक है। क्या हमारी संख्या है, 2/4 गुणे 3/4 है। तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या जानते थे कि अगर संख्याओं में हर जो हमारा हो तो ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो इससे पहले वाले सवाल में प्लस और माइनस में हम क्या करते थे कि जो हर होते हैं दोनों संख्याओं के, उनको हम क्या कर लेते थे, लासा ले लेते थे, है ना, यही करते थे ना। लेकिन क्या इसमें ऐसा कुछ करेंगे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि ऊपर वाली संख्या मीन्स क्या कि फार्मूला लिख लीजिए पहले आप लोग कि अंश बटे हर गुणे अंश बटे हर लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे गुणा की प्रक्रिया में, अंश को अंश से गुणा करेंगे, किससे, अंश को अंश से गुणा करेंगे, बटे हर को हर से गुणा करेंगे, किससे, हर को हर से करेंगे, ठीक है। तो हम इसी यूनिट पे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं कि अंश बटे हर लिखा हुआ है, मीन्स क्या कि अंश बटे हर यहाँ पे क्या है, 2/4 है, बीच में किसका निशान, गुणे का है, तो गुणा लगा दिए। और नेक्स्ट क्या है कि अंश बटे हर 3/4 है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या चला, अंश गुणे अंश, ठीक है। तो हम अगले स्टेप पे क्या चलते हैं कि 2/2, और एक बड़ा सा ब्रेकअप बटा लगा हुआ ना, तो बटे लगा दिया, पान लगा दिया, और नीचे क्या है, हर गुणे हर कर देंगे, कितना, हर गुणे हर 4/4 कर देंगे, ठीक है गाइस। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 6/4 = 16, ठीक है। और हमने हमेशा बात किया है क्या कि 6/16 जो हमारी एक परिमेय संख्या लिखी, इसको कब तक हल करेंगे, जब तक ये एक दूसरे से कटना बंद ना हो जाए, ठीक है। और जब तक ये कट रहे हैं एक दूसरे से, तब तक इनको हम हल करेंगे। तो क्या ये कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं, 2 से काटते हैं, 2 × 6 = 16, तो आंसर क्या आ रहा है आपका, 3/8 आ रहा है, ठीक है। तो एक तो हम इस तरह लगा सकते हैं कि इनको हम बीच में ना काट कर हम सीधे लिख कर लास्ट में हम काट दें, ठीक है। लेकिन ऐसा ऐसा कभी हो जाता है कि अगर बड़ी कोई संख्या आ रही है तो उनको हम किस प्रकार हल करेंगे, तो इसको आप दूसरी तरह भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह भी आप लगा सकते हो, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 2/4 × 3/4 है, तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए बटा लगा हुआ है ना, तो आप जानते हो कि अंश बाई हर है, तो अंश और हर एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, कट सकते हैं, अगर कट रहे हैं तो उनको हम काट देंगे, लेकिन किस कंडीशन में, गुणे की कंडीशन में, भाग की कंडीशन में, ठीक है। तो भाग में क्या हो जाएंगे, जब पलट जाएंगी संख्याएं तब, ठीक है। तो हम किस में काट सकते हैं, गुणे की कंडीशन में, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या लगा होता, प्लस लिखा होता, तो 2/4 लिखा हुआ है, तो क्या कटते हैं, बिल्कुल नहीं कट सकते थे। अगर इस तरह कटते हैं तो सवाल क्या हो सकते हैं, आपके आगे चलकर गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। और माइनस लगा हुआ है तो क्या उसमें हो सकता, उसमें भी हो सकता है, लेकिन क्या आगे चलकर सवाल आपके गलत भी हो सकते हैं, इन केसेस कोई भी आपके सवाल के उत्तर आ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि गुणे में आप अंश बटे हर को आप काट सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 2 = 2, और नीचे कितना लिखा है, 4
तो हमसे क्या है कि दो इकन्ना दो और दो दुन्नी चार, ठीक है। अब देखते हैं क्या दो से ऊपर कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही। और तीन देखें यहाँ पे लिखा है ना, तो तीन से क्या हर में कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही है। तो क्या हम लिखेंगे अब, तो ऊपर कितना आया, एक बटे चार गुणे तीन बटा दो। और अभी हमने फार्मूला क्या बताया कि अंश को अंश से गुणा कर देते हैं और हर को हर से गुणा कर देते हैं, मीन्स एक गुणे तीन, एक गुणे तीन और चार गुणे दो, तीन कन्ना तीन और चार दुनी आठ, यही आपको क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पे जो उत्तर आपको मिला हुआ था और यहाँ पे जो उत्तर मिला, क्या दोनों में कोई परिवर्तन हुआ, क्या ऐसा कुछ है कि इसमें इन दोनों में कोई परिवर्तन है, बिल्कुल नहीं है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, यही हमारा उत्तर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल के माध्यम से और एग्जांपल देखते हैं। और आप जानते हैं कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि संख्या लिखी हुई है आपकी आठ बटे चार गुणे दस बटे पाँच लिखी हुई है, ठीक है गाइज। क्या लिखी हुई है हमारी संख्या, आठ बटे चार गुणे दस बटे पाँच लिखी। तो अभी हमने क्या बताया था कि अंश को अंश से गुणा कर देते हैं, किसकी कंडीशन में, गुणे की कंडीशन में। हम क्या करते हैं हमेशा, इतना ध्यान रखिए हमेशा, क्या ध्यान रखना है हमें कि किस कंडीशन में, कि गुणा की कंडीशन में। हमने अभी आपको बताया ना कि आज हम क्या सीख रहे हैं, गुणा और भाग। तो हम अभी पहले टॉपिक में क्या सीख रहे हैं, गुणा। तो गुणे में भी हमने क्या बताया था फार्मूला आपको कि अंश का अंश से गुणा करते हैं और हर का हर से गुणा करते हैं, ठीक है गाइस। तो इसमें आप क्या करोगे, कितना लिखा हुआ है आठ गुणे दस और बड़ा एक बटा लगाएंगे, नीचे कितना चार गुणे पाँच लिखा हुआ है, ठीक है गाइस। तो इसको आप हल कर देंगे, कितना आ जाएगा, आठ दहम अस्सी और पाँचों बीस, ठीक है। तो क्या एक दूसरे से कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। तो बीस इकन्ना बीस और बीस चौ अस्सी, आंसर कितना आ जाएगा, चार बटे एक। और एक अगर बटे में लिखा है तो इसका कोई मतलब है यहाँ पे नहीं है, कि है नहीं है, क्योंकि एक आपका क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। तो चार ही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया कि आप लास्ट में काटते हो, दूसरे स्टेप में हम क्या कर सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, आठ बटे चार गुणे दस बटे पाँच लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा अगर हम इस तरह काटते हैं, काटने में तो क्या हो जाएगा, पाँच से पाँच करना पाँच, पाँच दुन्नी दस, दो करना दो, दो दो चौ दो दुन्नी चार, दो करना दो, दो चौको आठ, तो कितना आ गया, चार गुड़े एक बटे एक गुड़े एक, चार अत्तर आ गया आपका, ठीक है गाइस। तो इसमें आपने क्या देखा, अब ये मत समझिए कि इतना हमने काट दिया तो कैसे काट दिया। तो सबसे पहले देखिए कि हमने अभी क्या बताया कि अंश को अंश में लिख देंगे, हर को हर से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, पाँच से हमने किसको पहले सबसे काटा, दस को, तो पाँच दुन्नी दस, कितनी बार में कटा, दो बार में कटा, ठीक है। अब यहाँ कितना आया, दो। अब दो से हमने क्या किया है, दो इकन्नम दो, दो दुन्नी चार। तो इतना ध्यान रखिएगा आप लोग कि दो से हम आठ को नहीं काट सकते कि अंश को हम अंश से काट दें, ठीक है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दो इकन्नम दो, दो दुन्नी चार, ठीक है। यहाँ कितना आ गया, दो आ गया, दो इकन्नम दो, दो चौको आठ। अब ऊपर तो पूरी संख्या वाली समाप्त हो गई दस, और नीचे देखने तो पाँच ये भी समाप्त हो गया था, और एक बच दो बचा था, तो दो से दो इकन्नम दो और दो चौको आठ। तो ऊपर कितना आ गया, चार गुणे एक, एक बटा मतलब बटे और एक गुणे एक, आंसर कितना आ गया आपका, चार आ गया, ठीक है गाइस। ऐसे ही अगले एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं। संख्या लिखी हुई है आपकी 20 बटे 25 गुणे 36 बटे 15 लिखी है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 20 बटे 25 गुणे 36 बटे 15, तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे। वही सेम कंडीशन आपको करना है। क्वेश्चन क्या था, 20 बटे 25 गुणे 36 बटे 15। तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कि पहले हम देखेंगे कि एक दूसरे से संख्याएं कट रही हैं कि नहीं कट रही हैं। अगर कट रही हैं तो संख्याओं को हम काट देंगे, ठीक है। तो 5 से देखते हैं, 5 त्या 15, 5 चौ 20, ठीक है।
अब तीन से देखते हैं तो क्या कट रहा है, तीन करना तीन, तीन दुनी छः, अब क्या 25 और 12 है यहाँ पे, 4 है, तो 4 गुणे 12 बटे 25, तो क्या इनमें से कोई संख्या से 25 कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा, 12 से 4 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 12 चौ 48 बटे 25, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं। अब माइनस में हम बात कर लें कि ये तो प्लस में संख्याएं थी, अब मान लीजिए माइनस में संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 15/30 लिखा हुआ है गुणे 50/35 लिखा हुआ है माइनस के साथ। तो अभी हमने क्या बताया था कि इसमें कोई प्लस माइनस का चिन्ह था नहीं था, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी आपको कुछ करना है नहीं करना है, जैसे स्टेप में इसमें फॉलो किया आपने वही यहाँ पे करना है, बस उत्तर जो आएगा यहाँ पे कितना आया था इसका 48/25, तो वहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, लेकिन कब आएगा माइनस में, जब यहाँ पे एक माइनस लगा होगा किसी में भी। ठीक है, अगर दो माइनस लगे होंगे अंश और हर में तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, ऐसे लिखी हुई कोई संख्या मान लीजिए -50/-35 लिखी हुई, तो ये माइनस एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कट जाएंगे और उत्तर क्या हो जाएगा आपका 50/35 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तो संख्या लिखी हुई है नहीं, तो ऐसे लिखी हुई तो इसको हम इस पर हल करेंगे। ठीक है, तो संख्या हमारी क्या है 15/30 गुणे -50/35। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि अंश को अंश में हर को हर, तो अंश से देखिए कोई हर कट रहा है हम चेक करते हैं, और हर से देखते हैं क्या कोई अंश कट रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, तो क्या आया 5 से 5 त्या 15 5 से 35 5 त्या 15 5 से 35, 3 से 3 करना 3, 3 दहाँ 30, 0 से कितना हो गया 0 कट गया। ठीक है गाइस, तो उत्तर कितना आ जाएगा आपका, ऊपर कोई संख्या बची केवल -5 बची है ना, तो 1 गुणे -5, नीचे क्या हमारा बचा 1 गुणे 7, तो -5 करना 5 -5/7, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है गाइस, इतने में किसी को कोई समस्या, तो फिर हम कहेंगे कि अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का, कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, क्या है निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है गाइस, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है -36/5 गुणे 20/-3 है, तो इसको हल करना है। तो हल करने में आपको क्या बताया गया कि -36/5 × 20/-3, तो हमने क्या बताया कि अंश को अंश और हर हैं, तो अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से गुणा करते हैं, किसमें गुणा की कंडीशन में, लेकिन कब, जब एक दूसरे की संख्याएं कट ना रही हैं, और कट भी रही हैं तो उससे हमारा कोई मतलब है नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया कि अगर संख्याएं अंश और हर हैं तो अगर एक दूसरे से कट रही हैं तो बिल्कुल काट दीजिए। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि 5 से देखते हैं कोई संख्या कट रही है, 5 करना 5 5 और 20। ठीक है, और 3 करना 3 और 3 करना 3, 3 दुनी 6। ठीक है, माइनस यहाँ लगा हुआ है ना, तो -12/4/1 × -1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12 चौ 48 बटे -1। और अभी हमने सवाल में क्या बताया था आपको कि अगर अंश और हर में माइनस लिखा हुआ है दोनों में, तो इसको आप क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर जो आएगा प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बटे में कितना लिखा है एक, एक का मतलब क्या है कि इसके अंडर में आपका छुपा हुआ है। ठीक है, ये अंडर स्टूड है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 9/16 × 4/-25 × -10/27, तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, तो वही सेम क्वेश्चन है हमारा कि 9/16 × 4/-25 × -10/27, तो
इसमें आपको क्या घबराने वाली कोई बात है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, दो ही अंक थे हमारे साथ, दो परमेय संख्याएं थी, अब इसमें क्या मिल रही, तीन परमेय संख्या मिल रही है ना, तो इसमें डर कैसा हमें, तो जैसे हम उसको लगाते थे वैसे यहाँ पे भी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 9 है, 4 है, 10 है अंश में, और हर में क्या है 16 है, 25 है और 27। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि अंश को हर से काट कर हम देख लेते हैं किसी भी संख्या में, 9 से जो हर में ये संख्याएं तीनों है ना 16, 25, 27, क्या 9 से कट रही हैं तो उनको हम काट देंगे, ठीक है। ऐसे ही 4 से 16, 25, 27 में से कोई कट रही हो तो उसको हम काट देंगे, 10 से ये कट रही हैं, ठीक है, तो उनको काट देंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्या कि 9 से क्या हो रहा है, 9 × 9 = 27, 4 × 4 = 16, ठीक है। 5 से काटते हैं तो 5 × 5 = 10, 5 × 25, 2 × 2 = 2, 2 × 4, ठीक है गाइज। तो ऊपर कितना आ गया, आप कोई संख्या ऊपर बची हुई है, नहीं बची हुई, कि बची हुई बिल्कुल नहीं बची हुई, तो हम क्या कर देंगे, 1 × 1 − 1 बटे 2 × −5 × 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, −1, क्योंकि जब भी किसी एक संख्या से गुणा करते हैं एक से ही आपस में, तो कितना आ जाएगा, एक ही आएगा ना, कोई ये तो है नहीं कि दूसरी संख्या आ जाएगी, तो −1 × 5 × 10 और 10 × 30 किसके साथ आएगा, माइनस के साथ में। और अभी हमने पिछले वाले सवाल में बताया कि जब दोनों माइनस मिल जाएंगे तो क्या कर देंगे, आप काट देंगे, और किस में उत्तर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। यही क्या हो गया आपका उत्तर हो गया, ठीक है गाइस। तो इतने में किसी को कोई समस्या, ठीक है, तो हम दूसरे सवाल में मिलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि −9/8 × −32/−3 है, तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे। तो सेम ही क्वेश्चन है ना, बस यहाँ पे क्या मिल रहा है, तीन माइनस के चिन्ह मिल रहे हैं ना, तो उससे हमसे क्या मतलब है ना, चिन्ह कितने भी लगे हों उससे हमारा कोई लेना देना है बिल्कुल नहीं है, केवल हम जानते क्या कि दो माइनस है ना अंश और हर में, यहाँ पे भी है, तो उससे हमसे क्या मतलब है, ठीक है। तो सवाल क्या है, −9/8 × −32/−3, तो माइनस माइनस हम हल कर देते हैं, कट गया, बचा क्या, एक माइनस ना, तो यहाँ पे माइनस होता तो कट जाता, नहीं है तो क्या कर देंगे, उसको वैसे ही लिख देंगे, ठीक। अब हमारा काम क्या है कि हर से अंश को काट कर देख लेते हैं कि कोई अंश इससे हर से कट रहा है या हर से कोई अंश से कोई हर कट रहा है। तो हम काटते हैं तो क्या मिल रहा है यहाँ से, 8 × 9 = 8, 8 × 6 = 32, 3 × 3 = 9, ठीक है। तो अब नीचे कोई संख्या बची काटने वाली, नहीं बची हुई, तो −3/4 कितना हो गया, 4 × 12, यही क्या हो गया आपका उत्तर हो गया। तो सवाल कितना कठिन लग रहा था, लेकिन उत्तर कितना आ रहा है आपका, बहुत ही इजी आ रहा है ना, तो यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये जो हमारा लिखा हुआ a/b × c/d बराबर ब्रैकेट में क्या है, c/d × a/b, पर गुणों को प्रमाणित कीजिए, मींस ये जो लिखा हुआ है इतना a/b × c/d इसके बराबर क्या c/d × a/b है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको चेक करना है यहाँ पे क्या कहा है, प्रमाणित करना है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, जो प्रगुण लिखा हुआ है ये आपका क्या है, सत्य है, और अगर दोनों संख्याएं एक दूसरे के बराबर नहीं आती हैं तो प्रगुण क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा, मीन्स जो सवाल दिया होगा वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो हमारा सवाल क्या है, 4/9 और −3/5, तो इसमें कोई संख्या में ए और बी सी डी पता हुआ है, नहीं पता है, तो उसको हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं क्या कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, a = 4, b = 9, ठीक है, और c = 3 और d = −5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a = 4, b = 9, c = −3 और d = −5, ठीक है। तो इसी को हम किस में प्रयोग कर लेंगे, ये जो हमने मान लिया है ना कि a बराबर कितना है 4,
तो इसी को हम कहाँ प्रयोग कर लेंगे, इस वाले प्रगुण में प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो प्रयोग करके हम देखते हैं सबसे पहले कि लिखा हुआ है a बाई बी गुणे सी बाई डी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कितना है c बाई डी गुणे ए बाई डी। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करते हैं कि a बाई बी मीन्स 4/9 गुणे सी बाई डी, सी बाई डी मतलब कितना हो जाएगा, c की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, 3 दी हुई है, बीच में बटा लिखा हुआ तो बटे लगाएंगे, और d की वैल्यू कितनी दी हुई है, -5 दी हुई है, बराबर c बाई डी दी हुई, तो c बाई डी कितना था, 3/-5 गुणे a बाई बी कितना दिया हुआ है, 4/9 दिया हुआ है, कितना 4/9 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या कर देते हैं, एक दूसरे से संख्या कट रही है तो काट देंगे, तो 3 निकलना 3 3 3 9, अब एक छिक्या 4 और 5 एक दूसरे से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, ठीक है, तो 3 निकलना 3 3 3 9। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर एक बचा हुआ है, तो 4 4/5 15 किसके साथ, माइनस के साथ में, इधर 4 4 -15 5 3 -15। ठीक है गाइस, तो ही क्या हो गया हमारा कि 4/-15 = 4/-15। क्या दोनों में सेम मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं, इधर भी देखिए इस प्रगुण में जो हमारा क्या लिखा हुआ था a बाई बी इंटू सी बाई डी, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4/-15 आ रही है, और इसमें भी आपकी क्या हो रही है, 4/-15 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह हम कभी लिखते नहीं हैं, और ऐसा कहीं आपको मिलेगा भी लिखा हुआ नहीं, तो ये कैसे लिखा हुआ मिलेगा, 4/15 लिखा मिलेगा। ठीक है, -4/15 लिखा मिलेगा, और आपसे कोई पूछता है कि ये कैसे आ गया -4/15, तो इसको आप ऐसे बता सकते हो कि ऐसे आ गया 4/-15। ठीक है, गुणे -1/-, ऊपर नीचे क्या करेंगे, माइनस के साथ में ना, तो -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और -+ हो जाएगा, तो 15 * 9 = 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो अतः जो हमारा ये उत्तर आया है क्या है, प्रगुण की, हमारा जो प्रगुण है वो सत्य है, अतः a बाई बी गुणे सी बाई डी बराबर सी बाई डी गुणे a बाई बी प्रगुण सत्य है। क्या है, प्रगुण सत्य है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही अन्य सवाल भी दिए हुए, तो एक्सरसाइज में तो आपके बहुत से सवाल दिए हुए, तो सेम ऐसे ही स्टेप पे आपको उन सवालों को लगाना है जैसे इस सवाल को हमने लगाया हुआ, कि सवाल क्या, एक बार फिर देख लेते हैं कि सवाल क्या है हमारा, कि a बाई बी इंटू सी बाई डी इक्वल क्या दिया हुआ है, सी बाई डी इंटू ए बाई बी, तो हम क्या देख रहे हैं वैसे ही सवाल में, कि यहाँ की वैल्यू क्या दी हुई, a बाई बी लास्ट में दूसरी तरफ मिल रही है, और c बाई डी यहाँ पे है ना, तो वो पहले मिल रहा है दूसरे वाले में। ठीक है, तो उसमें क्या करना है हमको, प्रगुण की प्रमाणित कीजिए, यानी जो लिखा हुआ है ये क्या सही है कि गलत है। तो सवाल हमारा क्या दिया हुआ है, 4/9 और 3/-5, तो मान लेते हैं कि a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4, b की वैल्यू 9, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू -5। अब ये जो वैल्यू हमको दी हुई है, इसको हम क्या कर लेते हैं, ये जो हमारा प्रगुण है उसमें हम रख देते हैं, तो a बाई बी में कितना रखेंगे हम, a की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 रख देंगे, b की वैल्यू कितनी है, 9, तो 9 रख दिए, बीच में किसका निशान, गुणे का, तो गुणा, c की वैल्यू कितनी है, 3, d की वैल्यू -5 बराबर, c की वैल्यू कितनी है, 3 और d की वैल्यू -5 गुणे, ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब आपको हमने बताया क्या, कि अगर अंश से कोई हर कट रहा है तो उसको हम काट देंगे, किस में, गुणे की कंडीशन में। ठीक है, तो 3 से क्या हो रहा है, 9 कट रहा है, तो 3 * 9 = 3 3 * 9। ठीक है,
और यहाँ पे क्या चार से कोई पांच कट रहा है, नहीं कट रहा है, ऐसे यहाँ पे देखते हैं तो तीन कन्नम तीन, तीन त्रिका नौ, ठीक है। तो चार का एक, चार गुणे एक, क्योंकि अभी हमने बताया क्या कि गुणे की संक्रिया में हम क्या करते हैं, अंश को अंश से गुणा कर देते हैं, तो चार गुणे एक तो कितना आ जाएगा, चार इकन्नम चार, और तीन गुणे माइनस पाँच तो पाँच्या पंद्रह, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि अब ये जो हमारा आ रहा है क्या है आपका, दोनों सेम आ रहा है, तो सेम आने की वजह से क्या हो गया कि जो हमारे प्रगुण लिखा हुआ है सत्य है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या मिलता है कि योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या है कि इसमें केवल चिन्ह का परिवर्तन होता है। चिन्ह का परिवर्तन का मतलब क्या है कि प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और क्या होगा, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया योगात्मक प्रतिलोम में, चिन्ह का परिवर्तन, और चिन्ह कितने, प्लस और माइनस, तो प्लस हुए तो माइनस और माइनस हुए तो प्लस हो जाएगा, और संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो कितना ईजी है, मान लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है, कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है तीन बटे चार, आपसे कोई पूछता है कि इसका योगात्मक प्रतिलोम बताइए, क्या बताइए, योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो इसमें आप क्या कर दीजिए, ये संख्या कितनी लिखी हुई है, तीन बटे चार, किसमें है, प्लस में है ना, इसमें किसी अन्य चिन्ह का प्रयोग किया गया है नहीं है, तो इसमें कौन सा चिन्ह है, प्लस है ना, तो इसको लाल अपोजिट में क्या लिख दीजिए, यहाँ पे माइनस के साथ लिख दीजिए, माइनस तीन बटे चार, यही क्या हो गया आपका उत्तर हो गया, ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया कि इसमें केवल किसका परिवर्तन करते हैं हम, केवल चिन्ह का, अगर संख्या किसमें है, प्लस में, तो वही संख्या क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, किसमें हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगर संख्या में क्या लिखा हुआ है, दस बटे नौ लिखा हुआ है, किसके साथ, माइनस के साथ, तो इसका क्या हो जाएगा योगात्मक प्रतिलोम, दस बटे नौ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दस बटे नौ हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम फिर बता रहे हैं कि योगात्मक प्रतिलोम में हम केवल क्या करते हैं, चिन्ह का परिवर्तन करते हैं, अगर संख्या में क्या लिखी हुई, कोई भी परिमेय संख्या प्लस के साथ लिखी हुई है तो उसको हम किस में कर देंगे, माइनस में कर देंगे, और उसमें कोई परिवर्तन करेंगे संख्या में नहीं करेंगे, केवल उसमें क्या, चिन्ह का परिवर्तन करेंगे, और संख्या क्या लिखी हुई है, माइनस में लिखी हुई, तो उसको हम प्लस में कर देंगे। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम में, तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या लिखा हुआ है कि इसमें परिमेय संख्या को प्लट दिया जाता है, मींस ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, मतलब क्या है कि आपका सिर है ना और पैर, तो सिर को कहाँ ले जाइए आप, पैर की जगह पर, और पैर को कहाँ लाइए, सिर की जगह पर, मतलब प्लट देंगे ना, ऐसे आपकी एक कैप है, पेन है ना, तो पेन में ऊपर कैप है और नीचे क्या है कुछ, तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लट देंगे, तो कैप कहाँ गई, नीचे गई, और इसका नीचे वाला भाग कहाँ गया, ऊपर आ गया, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि इसमें संख्याओं को पलट दिया जाता है, मीन्स क्या, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, अर्थात अंश को हर में और हर को अंश में, ठीक है। तो एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि चिन्ह का परिवर्तन नहीं किया जाता। चिन्ह का परिवर्तन का मतलब क्या कि अभी आप तक हमने क्या बताया योगात्मक प्रतिलोम में कि चिन्ह का परिवर्तन करते हैं, अगर संख्या किस में लिखी हुई है, माइनस में, तो उसको किस में करते थे, प्लस में, और प्लस में लिखी हुई तो माइनस में कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया गुणात्मक प्रतिलोम में कि चिन्ह का परिवर्तन से हमारा कोई लेना देना नहीं, अगर संख्या किस में प्लस में तो प्लस में ही रहेगी, और माइनस में है संख्या तो किस में रहेगी, माइनस में ही रहेगी, ठीक है। तो एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, संख्या लिखी हुई है यहाँ पे पाँच बटे चार, कितनी लिखी हुई है संख्या हमारी, पाँच बटे चार लिखी हुई है, तो इसका हमको क्या बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, क्या बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, क्या बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो इसमें हमने क्या बताया कि संख्या को हम पलट देते हैं, ऊपर का नीचे, क्या कर देते हैं, ऊपर का नीचे कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसमें क्या बताया गया कि संख्या को हम क्या करते हैं, पलट दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, पलट मीन्स ऊपर का नीचे। तो ऊपर का नीचे का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या लिखा, अर्थात अंश को हर और हर को अंश, मीन्स यहाँ क्या है, अंश और हर है ना, तो हर को क्या कहा गया, अंश को क्या बताया गया, हर में करना है, मींस हर में पांच लिखा हुआ है ना, अंश कितना लिखा हुआ है, पांच, और इसको किस में ले जाना है, हर में ले जाना है, किस में ले जाना है, हर में, तो हर में कितना पहुंच गया, पांच, और क्या कहा गया, हर को कहाँ ले जाना है, अंश में ले जाना है, तो अंश में हर यहाँ पे कितना है, चार है, तो अंश की वैल्यू कितनी दी जाएगी, यहाँ पे चार दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या हमारी क्या लिखी हुई थी, संख्या हमारी थी पांच बटे चार,
और इसको किसमें बदल दिया गया, गुणात्मक प्रतिलोम में, तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या हो गया, 4/5। यानी आप क्या देख रहे हो, पलट गई संख्या ना, कि 5/4 है तो वही क्या लिख दी गई, 4/5। मीन्स क्या, ये ऐसे हमने कर दिया और इसको उठा के ऐसे कर दिया, ठीक है। मीन्स 5/4 था तो इसको हमने पलट दिया 4/5। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, लिखी हुई है संख्या 10/11 लिखी हुई, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका, -11/20 लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 11 माइनस लग जाएगा और वो नीचे 20 है ना, तो 20 ऊपर चला जाएगा, 11/11, ठीक है। तो ऐसे ही आपके सवाल में कहीं भी दिया हुआ, ठीक है, और आपसे पूछे हो कि -11/20 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, या आपके क्वेश्चन में, आपके बुकलेट में, जहाँ पे भी आप लगा रहे होंगे सवाल, उस वहाँ पे कोई भी संख्या लिखी होगी, ठीक है, उसका आपसे क्या पूछे, गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो उसको आप क्या कर दीजिए, बिल्कुल पलट दीजिए जैसे हमने किया है, अंश को हर में और हर को अंश में, वही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लेता है क्या कि संख्या को आपसे बताइए, आप योगात्मक प्रतिलोम में बताइए, तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या बताया गया कि केवल चिन्ह का परिवर्तन हम करते हैं, वहाँ पे पलटने वाले का कोई काम हम नहीं करते हैं, कि अंश को हर और हर को अंश में करते हैं, ऐसा वहाँ पे हम कुछ नहीं करते, केवल वहाँ पे हम क्या करते हैं, केवल चिन्ह का परिवर्तन करते हैं। अगर संख्या प्लस में है तो माइनस में कर देंगे, और माइनस में है तो प्लस में कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था टॉपिक, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि परिमेय संख्याओं को भाग देना, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग देने का तात्पर्य पहली परिमेय संख्या का दूसरी परिमेय संख्या के व्युत्क्रम के गुणा करने से, अर्थात क्या लिखा हुआ है, मैथमेटिकल फार्मूला की P/Q/R/S है ना। तो क्या कहा गया यहाँ पे कि परिमेय संख्या के दूसरी परिमेय संख्या के व्युत्क्रम के गुणनफल से, मीन्स क्या, पहली परिमेय संख्या तो ये हो गई ना, और दूसरी परिमेय संख्या हमारी कौन सी है, ए वाली है, ठीक है। तो इसके व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है। तो उल्टा मतलब क्या हो गया कि अगर R/S लिखा हुआ तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, S/R के रूप में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, मीन्स ऊपर का नीचे, मीन्स अंश का हर और हर का अंश के रूप में। तो अर्थार्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, P/Q जहाँ पे भाग का निशान होगा वहाँ पे किसका निशान हो जाएगा, गुणे का निशान हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, S/R के रूप में हो जाएगा। जहाँ क्या लिखा हुआ है क्या कि R/S इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। 5/4/3/2 है ना। तो हमारा ये सवाल है कि 5/4/2/3, ठीक है। तो इससे पहले अभी हमने फार्मूले में क्या देखा कि पहली वाली परिमेय संख्या में हम कुछ नहीं करते हैं, तो इसको ऐसे ही हम लिख देते हैं कि 5/4 है, तो इसको 5/4 लिखा रहने देंगे। फिर दूसरी परिमेय संख्या को हम क्या करते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं, पलट देते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं कि जहाँ पे भाग का निशान होगा वहाँ पे किसका निशान लगाते थे हम, गुणे का निशान लगाएंगे, और इसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारी संख्या क्या हो गई, व्युत्क्रम हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि अगर अंश से हर कट रहा है तो काट देंगे, और अगर हर से अंश कट रहा है तो काटेंगे, और नहीं कट रहा है तो अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, 2 से 2 = 2, 2 × 4, ठीक है। अब 2 से कोई संख्या कट रही है या 5 से कोई संख्या कट रही है, ऐसा तो है नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पे, वही संख्या उतार देंगे, तो 5/1/2/3, 5 × 5, 3 × 6, यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया कि क्वेश्चन क्या था आपका कि 5/4/3/2 था, तो पहली परिमेय संख्या में यहाँ पे कुछ नहीं किया जाएगा और आपको भी नहीं करना है, जहाँ पे भाग लिखा होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे आप, निशान गुणे का लगाएंगे, और उसके भाग के आगे जो संख्या लिखी होगी उसको आप पलट देंगे, ठीक है। मीन्स आप कहा जाए तो ये जो संख्या 3/2 है इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, जैसे पिछली अभी क्लास में बताया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं
कि 20 बटे 25 भागे 15 बटे 10 है, ठीक है। तो इसको हम हल करना है, तो क्या करेंगे, देखिए 20 बटे 25 है और यहाँ पे 5 बटे 4 था, है ना, केवल अंक का परिवर्तन हो रहा है, बटे यहाँ पे भी लगा और बटे यहाँ पे भी लगा है, तो 20 यहाँ पे हम ऐसे ही लिख देंगे 20 बटे 25, बीच में क्या लगा हुआ है, भाग, यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, भाग, अब यहाँ देख रहे हैं तो क्या लगा हुआ है, गुणा, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, गुणा लग गया। अगले स्टेप में क्या करना है, 3 बटे 2 था, यहाँ पे कितना है 15 बटे 10 है, अगले स्टेप में क्या है, यहाँ पे गुणे के बाद में 2 बटे 3 है, मीन्स ये संख्या क्या हो गई थी, पलट गई थी ना, तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है 15 बटे 10, तो इसको हम कैसे लिख देंगे 10 बटे 15 लिख देंगे, ठीक है। तो अगले स्टेप पर क्या किया गया यहाँ पे, कि जो संख्याएं अंश और हर से कट रही थी उनको हम काट देते थे, वही चीज़ यहाँ पे भी हम करेंगे, तो 5 × 10 25 5 × 5 5 × 20, ठीक है। तो क्या अब कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही है, तो क्या करेंगे 4 × 2 = 1 × 15, 4 × 8 = 15, यही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इतने में किसी को कोई समस्या, तो आप लोगों से फिर कहूँगा कि आप लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे वो भी अपनी क्लासेस को सुचारू रूप से संचालित कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं क्या है यहाँ पे, कि 5/16 भागे माने 10/13, तो अभी तक हम क्या देख रहे थे कि यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा हुआ था, नहीं लगा हुआ था, लेकिन इस सवाल में हम देख रहे हैं तो क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो करना क्या है, पहले भी जैसे हम करते थे वैसे ही सेम करना, पर चिन्ह लगा हुआ तो चिन्ह लास्ट में हम उत्तर में लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/16 भाग के स्थान पे गुणे का चिन्ह और संख्या को इसको हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगी 13 कितना हो जाएगी माइनस 10 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हम देखते हैं अगर कट रही है संख्याओं तो काटेंगे 5 × 5 5 × 10, अब ऊपर तो एक आ गया यहाँ पे, तो 1 × 13 16 × -2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 × 13 −32, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा आपका कि −13/32, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई समस्या, ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि −-25/35 − −50/20, ठीक है, इसको माइनस के साथ में, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम ही क्वेश्चन करना है आपको, करना क्या है फिर बता, कि स्टेप आपको कोई करना है नहीं, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आपको करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है −25/35 भाग के स्थान पे गुणे का निशान, अब इसको पलट दीजिए ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा −20 −50, और आप जानते हो कि जब ऊपर नीचे चिन्ह माइनस के लगे होंगे तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं संख्याएं कट रही हैं कि नहीं कट रही हैं, 5 से काटते हैं, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 50, फिर 2 से काटते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25, ठीक है। अब क्या संख्याएं एक दूसरे से कट रही हैं, अभी कट रही है 5 × 5 = 5 5 × 5 = 35, ठीक है। तो अब कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वही उतार देंगे −1 × 2/7 × 1, तो क्या हो जाएगा −2/7, यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है कि 8/16 को −16/25 से क्या करना है, यहाँ पे भाग देना है, क्या करना है भाग दीजिए, क्या है भाग दीजिए, हेडिंग क्या है आपकी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि 8 को 16/25 से क्या करना है, इसमें भाग दीजिए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन हमारा क्या है, −6/25 को 4/5 से, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको बताया गया क्या कि 8 को मीन्स
8 भागे माइनस 16 बटे 25 है ना। तो यहाँ पे देखिए हर में कुछ लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम जानते क्या हैं कि हमेशा हर में क्या लिखा होता है, एक लिखा होता है। जहाँ पे कोई हर नहीं लिखा होता तो वहाँ पे क्या लिखी होती संख्या में, एक लिखी होती है। तो 8 बटे 1 भागे माइनस 16 बटे 25। अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, 8 बटे 1 चिन्ह भाग के स्थान पे किसका लगेगा, गुणा। तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तो 25 बटे माइनस 16। ठीक है, तो क्या 8 × 8, 8 × 16, तो क्या आ जाएगा 25 बटे माइनस 2। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, माइनस 2 बटे कितना, माइनस 25 बटे 2, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 6/25 को 4/5 से, तो इसमें भी आपको वही स्टेप करना है। क्या है यहाँ पे, माने 6/25 भागे 4/5, तो क्या हो जाएगा, माने 6/25 भाग के स्थान पे गुणे का निशान और पलट दीजिए संख्या, तो 5/4, 5 × 5, 5 × 25, 2 × 2, 4, 2 × 6, तो कितना आ जाएगा उत्तर, माइनस 3/5 × 10, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई समस्या होती है तो आप चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि हमें ये चीज़ें यहाँ पे इस सिस्टम में समस्या हो रही है। ठीक है, तो आप चैनल को क्या करते रहिए, लगातार सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। धन्यवाद।